से इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। अजय राय का बयान सामने आया है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया है। कन्नौज कांड पर बोला है अजय राय ने, और समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार बताते हुए वो इसमें दिख रहे हैं। कांग्रेस यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, आपको सुनवा देते हैं क्या कहा है उन्होंने। अजय राय जी आज बीजेपी ने पीसी की, और उनका कहना है कि कन्नौज घटना हो, पश्चिम बंगाल घटना हो, कांग्रेस के नेता चुप्पी साधे, मिली भगत है आप लोगों की। समाजवादी पार्टी के तरफ से आप देखिए पूरी तरीके से सपा के लोग फुल इन्वॉल्व है। आप देखोगे जो हरदोई में हुई है, हरदोई में महेश पाल की बेटी को कौन मारा है, उसके साथ कौन रेप किया है, आप वो देखिए। सर आप क्या चाहते हैं इस मामले में, आरोपी पर कार्रवाई नहीं हो, चाहे बंगाल हो, बिल्कुल पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है यूपी की, और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई दल हो, आप देखेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी आज बीजेपी ने पीसी की, और उनका कहना है कि कन्नौज घटना हो, पश्चिम बंगाल घटना हो, कांग्रेस के नेता चुप्पी साधे, मिली भगत है आप लोगों की। पार्टी के तरफ से आप देखिए पूरी तरीके से सपा के लोग फुल इन्वॉल्व है। आप देखोगे जो हरदोई में हुई है, हरदोई में महेश पाल की बेटी को कौन मारा है, उसके साथ कौन रेप किया है, आप वो देखिए। सर आप क्या चाहते हैं इस मामले में, आरोपी पर कार्रवाई नहीं हो, चाहे बंगाल हो, बिल्कुल पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है यूपी की, और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई दल हो, आप देखेंगे हरदोई से लेकर हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी आज बीजेपी ने पीसी की, और उनका कहना है कि कन्नौज घटना हो, पश्चिम बंगाल घटना हो, कांग्रेस के नेता चुप्पी साधे, मिली भगत है आप लोगों की। पार्टी के तरफ से आप देखिए पूरी तरीके से सपा के लोग फुल इन्वॉल्व है। आप देखोगे जो हरदोई में हुई है, हरदोई में महेश पाल की बेटी का कौन। और शिवम प्रताप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, अजय राय का बयान हमने सुनाया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उसे लेकर सपा को ही घेरते हुए अजय राय नजर आ रहे हैं, पार्टी के साथ गठबंधन में भी हैं और सीधे तौर पर उसे जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर आज बीजेपी भी लगातार हमलावर रही है कांग्रेस पार्टी पर। बीजेपी का आरोप था कि कांग्रेस पार्टी न सिर्फ कन्नौज कांड बल्कि पश्चिम बंगाल में जो बर्बर रेप हुआ है उस पर भी पूरी तरीके से चुप्पी साध ली है। एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन इन मामलों पर वो अपराधियों के साथ संलिप्त है। और उसी को लेकर जब यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मैंने सवाल पूछा तो उनका कहना था कि यूपी में गुंडा राज है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। हालांकि बड़ी बात यह कि इस दौरान वो सपा को लेकर भी बोलते नजर आए, और उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में सपा के लोग इन्वॉल्व हैं। हालांकि लगातार वो मीडिया से ये कहते रहे कि इसके इन सभी उत्तर प्रदेश में जो लगातार कांड हो रहे हैं, तमाम जो घटनाएं हो रही हैं उनके लिए यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था जिम्मेदार है। लेकिन इस दौरान भी वो न्यूज 18 से बात करते करते ये भी बोल गई कि इन घटनाओं में सपा के लोग इन्वॉल्व हैं। हालांकि हरदोई की घटना को लेकर भी उन्होंने बीजेपी सरकार को बिल्कुल बिल्कुल, और उनका बयान भी हमने सुनवाया। बहुत शुक्रिया शिवम इस पर चर्चा के लिए।